गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एनिमाज लाइफ। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये आज की जो ब्लॉग है वो हाउसिंग टूर इनसाइड की है। आउटसाइड की वीडियो तो आपने देख ली होगी। तो आज की ये जो ब्लॉग है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें किचन, वॉशरूम और हॉल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और एक रूम में हम लोग कितने लोग रहते हैं। तो आज का ये ब्लॉग है वो बहुत ही फन और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे न्यू है तो आप लोग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँ। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये स्टेयर्स है, यही स्टेयर्स है, जस्ट हम ऊपर आते हैं। और हमारा जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे है और इस साइड में थर्ड फ्लोर की स्टेयर्स है। और ये रहा हमारा एंट्रेंस डोर और इस साइड बालकनी है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सफिशियंट है, वेल वेंटिलेटेड है, सनलाइट है और यहाँ हम आराम से अपने कपड़े सुखा पाते हैं। और ये जो है ये गार्बेज के लिए बनाया गया है, हमें कचरा पकड़ के वेस्ट के लिए नीचे नहीं जाना पड़ता है। ये हमारा जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट फिफ्थ फ्लोर तक है तो सारे फ्लोर के लोग इसी में अपना वेस्ट डालते हैं और ये डायरेक्ट नीचे जाता है। और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा डस्टबिन रखा हुआ है, वहीं पे वो जाके गिर जाता है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है। और जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसी टाइम फायर अलार्म डिटेक्टर ऑन हो गया लकीली। ये रहा हमारा मेन एंट्रेंस डोर, ये डोरबेल रहा। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर सनी कहाँ जा रही है? और हम अंदर आ चुके हैं। और ये हमारा हॉल रहा, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा स्पेस है। और वो टीवी है जो हम तेजी देखते नहीं है। और ये रहा बहुत ही अच्छा है, वेंटिलेटेड है। ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल और वो फ्रिज रहा। और आगे चलिए देखते हैं। और ये रहा हमारा किचन। और इस साइड में आपको वेस्ट के लिए हमने कलेक्ट किया है प्लास्टिक। और ये हमारा कबर्ड है और ये सेकंड फ्रिज है जो फोर मेंबर्स के लिए है। और ये साइड में विंडो है और ये चूल्हा है, बहुत अच्छा है चूल्हा, आप एक साथ बहुत सारा चीज़ पका सकते हैं। और ये मेड इन अमेरिका है, ये बहुत अच्छा है। और ये जस्ट हम लोग अभी सांभर बनाने वाले हैं। और ये रहा बेसिन। और जस्ट मैं थोड़े देर के बाद भिंडी बनाने वाली हूँ, भिंडी और आलू की भुजिया। और इस साइड में ऑरेंज की जूस बना रही है सनी। किचन भी बहुत सफिशियंट, बहुत बड़ा स्पेस में है। और हम आराम से अपने जो थिंग्स हैं वो हम कबर्ड में रखते हैं और यूज़ करते हैं। ये तो रहा किचन का। अब चलते हैं इस साइड, रूम के साइड। और ये रहा आयरन के लिए टेबल। और इस साइड में आपको प्लग है। एक्चुअली ये टेबल हमें उस साइड, वो कबर्ड जब निकल जाएगी तो थोड़ा वो जो लास्ट कबर्ड है उसे हमें सेट करना है इधर में। और ये जो सोफ़ा है वो थोड़ा पीछे चला जाएगा तो बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा। और वो जो आयरन टेबल है वह हमें वहाँ कॉर्नर पे लगाना है तो ये जो लुक आएगा वो बाद का बहुत अच्छा लुक आएगा। ये तो रहा गली। और इस साइड में मैं रूम इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको। ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम रहा, ये थर्ड रूम और ये फोर्थ रूम रहा। ये दोनों रूम के लिए ये एक वॉशरूम है। और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं। या इस साइड में वॉशिंग मशीन है, गीज़र है और शावर है, सारा चीज़ है, अच्छा है। और इस साइड में आपको हमारे क्या डिटर्जेंट, हमारे शैम्पू, जूते, सब चीज़ के कबर्ड है। और ये रहा हमारा वाईफाई, यहाँ चार्जिंग के लिए भी हम लोग लगाए हैं। और इस साइड में दो रूम है, ये फर्स्ट रूम एंड द फोर्थ रूम। और ये रहा हमारा वॉशरूम, और सेम दोनों वॉशरूम में सेम फैसिलिटीज़ है, गीज़र है, वॉशरूम है, सावरे हैं।
और एमओएच ने अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है। हमारे चारों रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है, हॉल में भी लगा हुआ है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है उन्होंने अपने एम्प्लॉय को। और गैस तो हमें इसलिए दिया गया है कि हम लोग अपनी मनपसंद का खाना बना के खा पाए। आप लोगों को तो पता होगा कि हमारे इंडिया से डिफरेंट स्टेट के लोग रहते हैं, अदर नेशनैलिटी के भी लोग रहते हैं, तो इंडिविजुअल की अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए दिया गया है। और फिर हमें फूड के लिए कूपन मिलता है हर महीने, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का कूपन रहता है। हमें किचन से जाके वो कलेक्ट करना पड़ता है। और ये रहा मेरा रूम। मेरा रूम तो नहीं बोल सकते हैं, हमारा रूम, क्योंकि एक रूम में हम लोग दो लोग रहते हैं। मैं रहती हूँ और अबरामी चेची रहती है, उनका ड्यूटी है, वो तो ड्यूटी में है, मैं उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊँगी। और ये रहा हमारा रूम, एक ओवरव्यू में आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा है, आप लोगों को पता चलेगा। दो बेड है और ये एसी है। और ये रहा मेरा बेड और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल रहा। और इस साइड में आपको दिखेगा एसी, मींस क्या बोले, एक जन के लिए एक कंप्लीट सेट दिया गया है, एक बेड और फिर ड्रेसिंग टेबल, चेयर, बहुत अच्छा है। और मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि हमें कूपन मिलता है, ये रहा जस्ट हमारा फूड कूपन। ये चेची का है, आप लोगों को तो बता चुके हैं कि वो ड्यूटी गई है, ये उनका, ये पूरा उनका सेट है। आई होप यू ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए अपना और अपना घर परिवार का ध्यान रखिए।